उत्तराखंड और हिमाचल। जब इन दो राज्यों को आप इमेजिन करेंगे तो आपके दिमाग में आएंगे आसमान छूते पहाड़, कलकलाती नदियाँ, हरी भरी प्रकृति, मंदिर, आपदा त्रासदी और सीधे साधे लोग। दो पहाड़ी राज्य जो भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल सेम है और दोनों ही राज्य हिमालय की गोद में बसे हुए हैं। दोनों ही राज्यों के देवी देवता, देव जागर, डोला और धार्मिक गतिविधियाँ बहुत समान हैं और दोनों ही राज्य देवभूमि का टाइटल क्लेम करते हैं। अब दोनों राज्य इतने सिमिलर हैं तो इन दोनों की ही समस्याएं और खासियत समान होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जहां एक तरफ हिमाचल उभरता हुआ विकासशील और एक संपन्न राज्य के तौर पे दिखता है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड आज भी अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा है। हिमाचल जहां शुरू से ही भू कानून और मूल निवास जैसे कानून लागू रहे, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के लोग आज भी सड़कों पर अपने मूल अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल में कितना फर्क है। हिमाचल प्रदेश एक विकास का मॉडल और उत्तराखंड एक पिछड़ता हुआ साथी। क्या हिमाचल उत्तराखंड के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले उत्तराखंड से जुड़ी भी और भी खबरों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही और कहानियां आप तक लेकर आते रहेंगे। एक नज़र हिमाचल और उत्तराखंड के भूगोल पर जानते हैं, यानी कि ज्योग्राफी। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53483 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं हिमाचल का इससे थोड़ा सा ज़्यादा 55673 स्क्वायर किलोमीटर है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, वहीं हिमाचल 12 जिलों से संपन्न है। उत्तराखंड विधानसभा में 70 विधायक और 5 सांसद भेजता है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल 68 विधानसभा विधायक और 4 सांसद भेजता है। दोनों ही राज्यों की दो राजधानियां हैं। जहां उत्तराखंड में देहरादून और गैरसैंण, वहीं हिमाचल में शिमला और धर्मशाला। उत्तराखंड चाइना और नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है, वहीं हिमाचल सिर्फ चाइना से। अगर हम दोनों ही राज्यों के प्रति व्यक्ति आय देखें तो हिमाचल इसमें भी उत्तराखंड से आगे है। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 1.9 लाख है, वहीं हिमाचल की 2.04। लिटरेसी रेट यानी शिक्षा का दर, उत्तराखंड के 78.82% लोग शिक्षित हैं, वहीं हिमाचल के 82.80% लोग। दोनों ही राज्यों का विकास का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है टूरिज्म। उत्तराखंड का टूरिज्म सेक्टर मेनली धार्मिक बेस पर चलता है, क्योंकि यहाँ चार धाम है और ये एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। वहीं हिमाचल का टूरिज्म घूमने, घुमक्कड़, हसीन वादियों के लिए जाना जाता है। राज्य की दशा और मानसिकता में इस बाहर से आने वाले क्राउड का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उत्तराखंड जहाँ दिल्ली और यूपी जैसे राज्यों के लोगों का आवागमन है, वहीं हिमाचल हरियाणा और पंजाब से सटा होने के कारण वहाँ के लोगों का ज्यादा स्वागत रहता है। एक राज्य अपनी उन्नति के लिए सिर्फ टूरिज्म पे फोकस नहीं रह सकता। रोजगार, स्वरोजगार और हेल्थ केयर के साथ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एक राज्य के लिए जो होता है वो होता है वहाँ की कृषि यानी एग्रीकल्चर, जहाँ हम पूर्ण रूप से उत्तराखंड को पिछड़ते हुए देख सकते हैं। उत्तराखंड में पिछले 12 सालों में 17% लैंड कृषि योग्य नहीं रहा, वहीं हिमाचल के 71% लोगों का रोजगार आज भी कृषि से आता है। उत्तराखंड के पिछड़ने का मेन रीजन हमें इतिहास में मिल सकता है। तो चलिए जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आज़ादी से 1955 तक उत्तराखंड और हिमाचल को एक साथ एक राज्य बनाने की मांग उठती थी, लेकिन इस मांग को 1955 में खारिज कर दिया गया और दो पर्वतीय क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य बनाने का सपना वहीं खत्म हो जाता है। और आगे चलते हुए 25 जनवरी 1981 को हिमाचल की स्थापना हो जाती है और राज्य के फर्स्ट CM बनते हैं यशवंत सिंह परमार, जो अपने पहले ही भाषण में कहते हैं, अब हिमाचल में दिल्ली और पंजाब के कोठियों में बर्तन धोने वाले युवा पैदा नहीं होंगे, अब इस राज्य से बाहर जाएगा तो वो है सिर्फ सेब। और इसी विजन को आगे लेकर बढ़ते हुए हिमाचल बन जाता है एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो हिमाचल बनने के 19 साल बाद 19 नवंबर 2000 को इस राज्य का गठन होता है। एक मजे की बात यह है कि हिमाचल के एक अलग राज्य बनने के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले उत्तराखंड के गोविंद बल्लभ पंत ने ही उत्तराखंड के अलग राज्य बनने का हमेशा विरोध किया था। हिमाचल की आर्थिक मजबूती की नींव वहाँ की कृषि ने रखी और यही वजह है कि आज हिमाचल का एक छोटा किसान भी सेब, फल और सब्जियाँ उगाकर आराम से एक्सपोर्ट कर पाता है। जहाँ हिमाचल की कृषि का आर्थिक विकास सेब ने किया, वहीं उत्तराखंड की संपन्नता का आधार रखा अवैध खनन, शराब के ठेके, व्यापक भ्रष्टाचार और बंजर जमीनें रही। ज्यादा नदियां, संसाधन और संभावना होते हुए भी हम उत्तराखंड को हिमाचल से एग्रीकल्चर में पिछड़ते हुए देखते हैं। हिमाचल की कृषि और वहां के लोगों की सबसे ज्यादा रक्षा करता है वहां का भू कानून। हिमाचल राज्य का गठन ही भू कानून और मूल निवास जैसे अधिकारों के साथ हुआ था। हिमाचल के लोग किसी भी परिस्थिति में किसी गैर हिमाचली को अपनी जमीन बेच नहीं सकते, ना ही उसे दान कर सकते हैं। वहीं आज राज्य बने 24 साल होने के बाद भी उत्तराखंड के लोग भू कानून के लिए लड़ रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने को उतारू है, पर अपने ही नागरिकों के हितों के लिए भू कानून लाने पर उनकी कानों में जू तक नहीं रेंगती। शुरू से ही भू कानून होने के कारण हिमाचल के लोग और उनकी खेती बची रही। हिमाचल की सरकार का सारा फोकस अपने राज्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए था। जहां एक ओर हिमाचल को परमार जैसे विजनरी नेता मिले, वहीं उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने पिछले 24 सालों में 12 CM बदल दिए।
और उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री ही हरियाणा से थे। हालांकि बाद के सभी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ही थे, पर धीरे धीरे वो भी पलायन कर मैदानों की ओर चल दिए। उनके साथ साथ विकास और संपन्नता की गंगा भी पहाड़ों से मैदानों की तरफ बहने लगी। जहां उत्तराखंड के मैदानी भागों का काफी विकास हुआ, वहीं पहाड़ इससे वंचित रहे। विकास की पूंछ पकड़कर लोग भी पहाड़ों से मैदान की ओर पलायन करने लगे। सरकार की गलती है तो क्या सरकार को बनाने वालों की गलती नहीं है? रोड पर बैठना, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, लेकिन वोट करके सही नेता चुनने के समय हमारा अधिकार कहाँ चला जाता है? हिमाचल के लोग अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि से जुड़े रहते हैं। वो शहरों में घर जरूर बनाते हैं, लेकिन अपने गाँव को कभी नहीं छोड़ते। वहीं उत्तराखंड के लोग एक बार हल्द्वानी, देहरादून या दिल्ली की तरफ पलायन करने के बाद कभी मुड़कर भी अपने गाँव की तरफ नहीं देखना चाहते। ये सभी तथ्य हमें साफ साफ दिखाते हैं कि कैसे हिमाचल ने उत्तराखंड को एक राज्य के तौर पर कितना पीछे छोड़ दिया है, और भविष्य में भी उत्तराखंड अपने बड़े भाई हिमाचल की तर्ज पर एक विकासशील राज्य बनने की दिशा में अग्रसर नहीं दिखता है। न राज्य में संयम है, न राज्य के राजनेताओं पे एक विजन। अपने राज्य पर गर्व करना एक बात है, पर उसकी कमियां और सच्चाइयों को भी स्वीकार करना हमें आना चाहिए। उत्तराखंड को एक विजन की जरूरत है, उत्तराखंड को यहाँ के युवाओं की जरूरत है। पर एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती। अगली बार फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर हमर पहाड़ आप तक फिर आएगा। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।